प्रदेश में आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल शपथ लेने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बने, बीजेपी के लिए बड़ा दलित चेहरा है और समाजवादी पार्टी में कभी रहे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, यहाँ तक कि मुलायम की सिक्योरिटी में भी एसपी सिंह बघेल रहे हैं। सपा फिर बसपा और 2015 के बाद से लगातार बीजेपी के लिए अपने बेल्ट में एक बड़ा चेहरा है और न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों में भी दलित वोटर्स, पिछड़े वोटर्स को साधने के लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल प्रचार प्रसार में बीजेपी के लिए एक चेहरे के तौर पर लगातार लगे रहते हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी रिपीट। शोभा करण लाजे, बड़ी शख्सियत है उनकी, एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। मैं शोभा करण लाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। शोभा करंदलाजे मंत्री रह चुकी हैं मोदी सरकार में, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी और इस बार बेंगलोर नॉर्थ से उनको प्रत्याशी बनाया गया था और यहाँ भी एक बड़े मार्जिन से, 2.5 लाख वोटों के मार्जिन से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है और महिला नेत्रियों में एक बड़ी छवि उनकी है। खास करके कई नेताओं को इस बार नई जगह मिल पाई, चाहे वो स्मृति ईरानी हो चुनाव हारी या फिर मीनाक्षी लेखी जिनका टिकट कटा, वासु सुराज अभी यंग है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और शोभा करंदलाजे जैसे श्री कीर्तिवर्धन सिंह। और अब कीर्तिवर्धन पहली बार मंत्री बनेंगे, मनकापुर रियासत गोंडा से सांसद रहे हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कीर्तिवर्धन पहली बार वो सांसद के साथ अब मंत्री भी बनेंगे। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वाहन के